ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म सुपर 30 के मेकर्स फंस चुके हैं बड़ी प्रॉब्लम में, बिकॉज़ जिन पर बन रही है मूवी आनंद कुमार उन्हीं पर लग रहे हैं एलिगेशंस। लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी। मैथमेटिशियन आनंद कुमार की लाइफ पर बेस्ड फिल्म को लेकर इस फिल्म के मेकर्स और ऋतिक रोशन बड़ी डिलेमा में फंस गए हैं। दरअसल ऋतिक आनंद कुमार का रोल फिल्म में प्ले कर रहे हैं और अब आनंद कुमार पर एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने चीटिंग की है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स परेशान हो गए हैं कि वो किस तरह फिल्म को प्रमोट करेंगे और ऑडियंसेस को इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म सुपर 30 इज बेस्ड ऑन आनंद कुमार्स लाइफ। ही इज अ मैथमेटिशियन एंड ही रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच टेक्स केयर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड किड्स। वो हर साल 30 स्टूडेंट्स को आईआईटी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करते हैं और इतना ही नहीं उनके खाने का रहने का सारा कुछ ध्यान रखते हैं। पर अब इनकी लाइफ पर कंट्रोवर्सी चल रही है रिसेंटली, उन पर एलिगेशंस लगे हैं। बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। ऐसा आनंद कुमार साहब क्लेम करते हैं दैट यू नो हर साल वो 30 बच्चे सिलेक्ट करते हैं अंडर प्रिविलेज, जिसमें से कम 25-26 बच्चे आईआईटी जरूर क्लियर कर जाते हैं। लेकिन एलिगेशन ये लग रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 बच्चे ही क्लियर करते हैं, बाकी तो जो लोग क्लियर कर चुके होते हैं बच्चे उन्हें पैसे दिए जाते हैं ये बोलने के लिए कि तुम बोलो तुम सुपर 30 से पास आउट हुए हो। एलिगेशन नंबर 1। एक एलिगेशन ये लगा है जो उनके को फाउंडर सुपर 30 के को फाउंडर है मिस्टर अभियान, उन्होंने लगाया है कि भाई मूवी का एक शॉट है जहां पर ऋतिक रोशन को आपने देखा होगा काफी गरीब है, रोड पे पापड़ बेच रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर अभियानंद, आनंद कुमार साहब के फादर का एक बहुत बड़ा बंगलो है, 20 एकड़ की जमीन है, उनकी मॉम घर वालों के लिए पापड़ बनाती थी, कभी बेचने नहीं गए, तो कभी वो गरीब नहीं रहे। अच्छा। तो ये एक कहते ना वो इमोशनल एंगल के साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है। और अभियानंद जी ने ये भी कहा है कि यू नो कि फिल्म जो है वो उन पर बन रही है, दैट्स फाइन, लेकिन सुपर 30 जो है वो हमने साथ में शुरू किया था, को फाउंड किया था और उसके लिए आपको बहुत रिसर्च करने की जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि मेकर्स ने उन ठीक से रिसर्च नहीं किया होगा, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए 6-7 साल का रिसर्च लगेगा, इतना कॉन्टेंट है हमारे पास, और अगर फिल्म में मुझे ओमिट किया गया या मेरा जो है कॉन्ट्रीब्यूशन सुपर 30 के लिए बैड लाइट में दिखाया गया तो वो शायद लीगल केस भी फाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज उन्हें, लेकिन एक तरफ जहां लोग उन्हें डिमीन कर रहे हैं, गलत लाइट में दिखा रहे हैं, वहीं बिहार के बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस, सीनियर पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया और बताया दैट आनंद कुमार इज द प्राइड ऑफ बिहार, इज अ जेम ऑफ बिहार एंड बिहार के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स लाए हैं एंड ही कंप्लीटली सपोर्ट्स हिम। और जब अब उनके ऊपर मूवी बन रही है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली जेलस फील कर रहे हैं, तो शायद वो उन्हें डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। That's right. पर जो भी ये कंट्रोवर्सी है, अच्छा हो बुरा हो, even if आनंद कुमार comes out of this controversy with a fair chit, लेकिन it's not good for the makers here. It's not a good news, क्योंकि जब आप फिल्म को प्रमोट करते हो, ऑडियंस के पास ले जाते हो, your biopics are supposed to be inspirational, yeah, right? I mean, come on, everyone wants to know about these legendary people. Like, exactly. अब example के तौर पे अगर मिल्खा सिंह जी के बारे में कुछ गलत फैक्ट दिखाया गया होता तो शायद इंटरेस्ट थोड़ा ऑडियंस के दिमाग में डाउट आ जाता है। दैट डाउट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कॉम्बैट, स्पेशली फॉर मेकर्स एंड ऋतिक रोशन एज एन एक्टर। तो कहा जा रहा है कि अब जो है जिस तरीके से वो इसे प्रमोट करेंगे, दे माइट नॉट शो इट एज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी बट दे माइट शो इट विद अ डिफरेंट एंगल व्हिच इज नॉट डिसाइडेड येट, सो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट, बट डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज फॉर मेकर्स एट द मोमेंट।